रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं, चलो फिर से शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल जेनिटल साइट में हमें देखना है कि मैंने बताया एमएमसी लिखा हुआ अगर आया तो एमएमसी स्टैंड फॉर द इन द केस ऑफ मेल कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर से डिप्लॉयड होता है, इसके डिवीजन मियोटिक डिवीजन से क्या बनेगा बेटा, मेल गैमेट बनेगा और मेगा स्पोर मदर सेल भी होता है एमएमसी का मतलब ये भी डिप्लॉयड होता है, इसके मियोटिक डिवीजन से क्या बनेगा फीमेल गैमेट बनेगा, जिसको हम फाइनली क्या बोलते हैं एग बोलते हैं और मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं बेटा पॉलन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं पॉलन कहते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको हमने कहा बेटा दिस इज द थैलेमस, दिस इज द थैलेमस, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को हमने कहा प्लेसेंटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको हमने कहा था फीमेल। ठीक है, फीमेल के टिश्यूज कुछ आगे की तरफ क्या कर रहे थे बेटा, ग्रो कर जा रहे थे, तो ये जो ग्रो कर जा रहा था यहाँ पर ये बाहर की तरफ ये वाला, इसको हमने कहा था रैसी, क्या कहा था हमने रैसी, और जहाँ पर ये फीमेल खत्म हो जा रहा था ये वाला एरिया पर्टिकुलर हाइलम, ये को हमने क्या कहा था बेटा हाइलम, दिस इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हाइलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे एम्ब्रियो सेल जिसका हमें डेवलपमेंट पढ़ना है यहाँ पर, इसके अंदर फाइनली हमें पढ़ना है क्या इसके अंदर मतलब पार्ट, ये है आपका एम्ब्रियो सेल, बड़ा कर दें इसको, ये देखिए हमने बड़ा कर दिया, हमने इसके बारे में पढ़ना है एम्ब्रियो सेल के बारे में, ये इसके बारे में, इसमें क्या होता है कि दो एंड्स आपको दिखाई पड़ते हैं बेटे, इससे ये ओपनिंग वाला एंड इधर होता है, तो इस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोफाइलर एंड, कौन सा एंड है ये है हमारा माइक्रोफाइलर एंड, ये वाला एंड इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, दिस एंड इज कॉल्ड द चलाजल एंड, बोर्ड एग्जाम में एज इट इज उठाकर के डायग्राम छाप देना एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि आपका सिंगल नंबर भी काट ले, आधा नंबर भी नहीं काटेगा, पॉइंट में भी नंबर नहीं काटेगा, भर भर के नंबर देगा, कहेगा अच्छा मेरी अलमारी में कोई नंबर है तो वहां से निकाल के दे दे, कितना नंबर देगा ये समझ लेना। अब यहाँ पर देखो जो हमें और अच्छे से पढ़ना है बेटे ध्यान से, चलाजल एंड की तरफ आपको तीन सेल्स दिखाई पड़ते हैं इस तरीके से, इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, क्या कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, क्या हमारी ये होती है हमारी एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अंदर यहाँ पे ये बड़ा वाला जो दिखता है इसको हम बोलते हैं एग सेल, ये क्या है हमारा एग सेल, इस एग सेल के अलावा यहाँ पे ये देखिए ये जो हमने दो सफेद सफेद स्ट्रक्चर बनाए इसको हमने कैसे बनाया है, ऐसे बनाया है और फिर हमने इसे सिंगल लाइन प्रोजेक्शन बनाते हैं, और ये जो सेल है हमारा इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक सेल, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक सेल, ये सिनर्जिक सेल है, और ये जो सिंगल लाइन प्रोजेक्शन है इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, सबका फंक्शन आपको बताया है, सबका फंक्शन हम आपको बताएंगे डिटेल में, बट अभी हम आपको ये चीज दिखा रहे हैं हमें क्या बनाना है, हमें क्या डेवलप करना है, डेवलपमेंट हमें किस चीज का करना है, किसकी डिटेल स्टडी में देखनी है, ये जो दिख रहा है देखिएगा सिनर्जिक सेल। ठीक है, इन सब के अलावा यहाँ पर दो न्यूक्लियस दिखाए थे, ये दो न्यूक्लियस है दिख रहा है ना, दो न्यूक्लियस, यस दो न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस को हम बोलते हैं बेटा पोलर न्यूक्लियस,
तो क्या बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, कौन सा है पोलर न्यूक्लियाई। एक्चुअल में जो डेवलपमेंट हमें देखना है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखना है। एंटीपोडल सेल कितनी है तीन, एक सेल कितना है एक, सिनर्जिक सेल कितनी है दो, तीन एक चार और दो छह, एक बड़ा सा पोलर न्यूक्लियस है इसके अंदर डबल न्यूक्लियस, तो ये कितना है तीन एक चार एक पांच और दो चार। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, क्या कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अगर एम्ब्रियो सैक की बात हम करें तो उठा करके हम डिटेल में बनाए इधर देखो, इधर उसको उठा करके एम्ब्रियो सैक को अगर डिटेल में यहाँ पर हम आपको बना करके दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ पर ध्यान दीजिए, हमने बड़ा सा ये सेल बनाया, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर चलाजल एंड की तरफ तीन पोलर न्यूक्लियाई आपके ये दिख रही है, सॉरी तीन एंटीपोलर सेल्स आपको दिख रही है। तो ये बड़ा सा आपको एक सेल दिख रहा है, इसके साइड में आपको सिनर्जिक सेल दिख रही है, ये सिनर्जिक सेल दिख रही है और यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है। कितने सेल हैं इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये बड़ा वाला सेवन, कितना सेल है ये बताइए, यह है आपका सेवन सेल, सेवन सेल। कितनी न्यूक्लियाई है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं, हर बार ये सवाल पूछता है न्यूज के एग्जाम में का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप जवाब देंगे सेवन सेल एक न्यूक्लियाई। क्या था इसमें कोई कंसेप्चुअल बात से क्या बदली है, तो इसमें आगे फिर भी आपको गिनती करनी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, बस। एक्चुअल में हमें इसी से डेवलपमेंट की स्टडी करनी है आज की क्लास में, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। बना लो जल्दी से इसकी डायग्राम को आप बना लो, यहाँ पे याद है आपको इसको मैंने क्या बोला था, याद करो ये क्या था हमारा, हाँ इंटेग्रमेंट था, जोर से जाने भाई, ये हमारा इंटेग्रमेंट है, ये हमारा इंटेग्रमेंट है, ठीक है, ये हमारा इंटेग्रमेंट, इंटेग्रमेंट भी आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है, इंटेग्रमेंट भी हमारा डिप्लॉयड होता है, ठीक। yes. आप पूछता है जितना जितना ये बोर्ड पे छपा हुआ है ना बेटा, ये जितना छपा हुआ है बोर्ड पे, ये छपे हुए बोर्ड से आप कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 क्वेश्चन तो घुमा फिरा के पूछ ही लेगा, जा करके क्वेश्चन सॉल्व करना पता चल जाएगा। और इतना सुंदर डायग्राम आप बना दो एग्जाम में, सर बता रहे हैं बहुत बढ़िया नंबर आप पाओगे, कम से कम तीन से पांच नंबर का क्वेश्चन तो आपका आएगा ही है ये डायग्राम वाला, ठीक है। आगे चले हम, यस सर,
डेवलपमेंट ऑफ ईमेल गेमिफाइड में किसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है, ये वाला कैसे बनेगा वो देखना। चलिए हमने देखा ये हमारा यूनिकल है, ये हमारा ओरिजिन का इंक्रीमेंट है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये वाला एंड कौन सा है, माइक्रोफाइल है ये, ये है कौन सा चलादा, ये चलादा है, ये इंटेगमेंट है। अंदर की तरफ आप याद करिए, मैंने बताया था कि ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर है और इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स पाए जा रहे हैं, उनसे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूसेलस कहते हैं। इस न्यूसेलस का काम क्या था, नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, शाबाश, इनका काम था नरिशमेंट प्रोवाइड। ये आपका न्यूसेलस, न्यूसेलस का प्लॉडी लेवल क्या होगा, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, ये भी आपका डिप्लॉइड होता है, ठीक है, ऐसा होता है डिप्लॉइड। अब यहाँ पर कोई एक सेल मान लेते हैं, कोई इसी एक्शन में से आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर। ये बड़ा वाला क्या है, यह है मेगा स्पोर मदर, ये वाला जो दिखा इसको हमने कहा दिस इज द न्यूसेलस, दिस इज द मेगा स्पोर मदर, मेगा स्पोर मदर, ये आपका मेगा स्पोर मदर। अब हमें क्या करना है कि हमारा ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड, हमें बनाना है क्या, एक एक सेल बनाना है। अंशिका क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है इसमें, बोलो बोलो बोलो, हम भी हंस लो, सुबह से हंसे नहीं है, बताओ। नहीं कोई बात नहीं, अरे नहीं बता दो, हम भी हंस ले, हो सकता है आज हम दूसरे की तरह दिखते हैं, हां या तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई डांस कर रहा हो, हमें भी तो पता चले ना, हां तो आती रहती, तुम्हें आती रहती है। खुद ही खुदी हंसी आती है, शाबाश, बता दे बेटा, हम लोग भी हंस लिया करें कभी, सही है। देखो इधर छोड़ दो, अंशिका की बात को छोड़ दो, सर आप म्यूट है, इसको भैया थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करवा दीजिए ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए हमने माइक्रोफाइल उसको एमएमसी को बाहर निकाल दिया है, प्लांट में बाहर नहीं निकलता, प्लांट के अंदर बाहर नहीं निकलता, हम सिर्फ समझने के लिए बाहर निकाल देते, ठीक है, करेंगे क्या, करेंगे ये हमने लिया एमएमसी, क्या लिया बताइए, एमएमसी, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर से डिप्लॉयड है, क्या करेंगे, हवन करेंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे, एक से दो में बदल जाएगा, बॉडी लेवल हाफ हो जाएगी इसकी, 43 है तो 23 हो जाएगा, 24 है तो 12 हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन होगा,
मियोटिक डिवीजन होगा। तो डिवीजन एक से दो, दो से चार इस तरीके से चलता है। मैं डायरेक्टली से बना रहा हूँ, ये चार सेल्स बनती हैं, ये चार सेल्स बनती हैं, पर एक दो तीन और चार, एक दो तीन और ये चार, चार सेल्स आपकी बनके तैयार है। ठीक है, इस चार सेल्स इधर चलाजल एंड है, इधर माइक्रोफाइलर एंड है, इस चारों को हम क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राड। क्या बोलते हैं, लीनियर टेट्राड। हर एक सेल अपने आप में क्या है, हैप्लॉइड है। हर एक सेल अपने आप में क्या देते हैं, हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड है तो इनमें से तीन सेल्स जो होती हैं वो डिजेनरेट कर जाती हैं, थ्री डिजेनरेट कर जाती हैं। चाहे ऊपर भी तीन करेंगे एक साथ, चाहे नीचे से तीन करेंगे एक साथ, तीन सेल्स डिजेनरेट कर जाती हैं। तो हमने क्या करना है, तीन को डिजेनरेट करवा दिया हमने। हमने तीन को ये डिजेनरेट करवा दिया, एक दो तीन चार। ये ऊपर की तीन क्या हो गई बेटा, डिजेनरेट। एक क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। तो जो सर्वाइव करेगी उसको हम बोलेंगे सर्वाइविंग मेगा स्पोर। ये क्या है आपका, सर्वाइविंग मेगा स्पोर। यह है आपका सर्वाइविंग मेगा स्पोर। समझ में आई बात, कुछ नहीं किया हमने। yes, जो कर रहा है प्लांट कर रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, प्लांट ने क्या किया, मेगा स्पोर मदर सेल का डिवीजन हुआ, मियोटिक चार सेल बनी। इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले इस तरीके से हुआ होगा, ये आपका मियोटिक डिवीजन में दो सेल बनी होगी, फिर इसका मियोटिक डिवीजन होगा, फिर दो से चार बन गई। ये स्टेप है, हमने बीच के स्टेप क्या कर दिया, स्केप कर दिया, छोड़ दिया, हमने डायरेक्ट ये वाले स्टेप से यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर्वाइविंग मेगा स्कोर आपने देख लिया। सर्वाइविंग मेगा स्कोर में आगे क्या होगा, ये मेगा स्कोर आपका है सर्वाइविंग मेगा स्कोर। इस सर्वाइविंग मेगा स्कोर में, सर्वाइविंग मेगा स्कोर में तीन बार कैरियोकाइनेसिस क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस। देखो बेटा सुमानी, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कितनी बार कैरियोकाइनेसिस होगी, थ्री कैरियोकाइनेसिस होगी, मतलब न्यूक्लियस का तीन बार डिवीजन। इस न्यूक्लियस का डिवीजन कितनी बार होगा, तीन बार होगा। ठीक है, जब तीन बार माइटोटिक डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस में तीन बार क्या होगा बेटा, माइटोटिक डिवीजन होगा। अब माइटोटिक डिवीजन तीन बार होगा तो क्या बनेगा, अगर एक सेल है, एक का माइटोटिक डिवीजन है, एक से दो बना, फिर दो से चार बना। ठीक है, तीन बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो एक से दो बना, फिर दो से चार बना, चार से क्या बना, फिर बेटा आठ, मतलब आठ बना, फिर दो डिजनरेट करके छह हमें दिखाई पड़े। तीन बार कैरियोकाइनेसिस बनेगी और आठ हमें, आठ न्यूक्लियस हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे बताया हमने, एक से दो बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, यानी टू टू दी पावर एन के रेशियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो तीन बार कैरियोकाइनेसिस करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू दी पावर एन का मतलब कितना हो गया, टू टू दी पावर थ्री, टू टू द फोर टू द एट, है ना। तो यहाँ पे आप इस मेगा स्कोर में आप देखेंगे कि आपको कितने न्यूक्लियस दिखाई पड़ेंगे बेटा, आठ न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा।
आपको आठ न्यूक्लियर दिखाई देंगे। आठ का मतलब इधर देख लीजिए ऐसे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ न्यूक्लियस आपको दिखाई पड़ता है। इनमें से तीन न्यूक्लियस इधर चलाजल एंड है, इधर माइक्रोपाजल एंड था, इनमें से ये तीन न्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स सलाजल एंड और ये तीन न्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स माइक्रोफाइलर एंड, मूव टूवर्ड्स माइक्रोफाइलर एंड, ठीक है। अब जब इतना काम हो जाएगा ना बच्चे, तब यहाँ पर अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। अब क्या होगा, ये मेगा स्पोर आप देख रहे हो, तीन सेल्स कहाँ पर गया बेटा, सलाजल एंड की तरफ, तीन सेल्स इधर गया माइक्रोफाइलर एंड की तरफ, तीन एंड गया, शिफ्टिंग हो गई है। अब क्या होना है, साइटोकाइनेसिस होनी है, सेल्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना है, मतलब हर न्यूक्लियस अपने आप अपना साइटोप्लाज्म लेकर के सेपरेट हो जाए, ठीक है। हर न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर के सेपरेट हो जाए, जब सेपरेट हो जाएगी तो आप देखिए तीन इधर शिफ्ट हो गया था, तीन तीन इस तरफ शिफ्ट हुआ था, इधर क्या सलाजल एंड है, इधर माइक्रोफाइलर एंड है, तो हमने कहा कि तीन इधर शिफ्ट हो गया है, एक दो तीन, तीन इधर शिफ्ट हो गया है, ये दो और तीन, तीन इधर शिफ्ट होगा टुवर्ड द, टुवर्ड द माइक्रोफाइलर एंड, एक ये है और दो ये है, ठीक है, तीनों तीन छह। बाकी साइटोप्लाज्म अपने न्यूक्लियस को लेकर के अलग नहीं होते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को लेकर के अलग नहीं होते, ये और एक बात देखिए, हमारा जो मकसद था पाने का, हमारा जो एम था कि हमको ये पाना है, इसका डेवलपमेंट करवाना है, मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना, हमारा काम पूरा हो गया, हमको ये मिल गया, ठीक है ना। तो हमको मिल गया था भाई, जब कोई चीज, जब कोई टारगेट पूरा हो जाए तो बड़ी खुशी महसूस होती है ना, तो ये चीज हमें मिल गई। अब इसका नामकरण संस्कार कर लो भाई, नामकरण संस्कार कर लो, नाम तो सबको पता है, लेकिन इसका नाम कौन बताएगा पता है, इसका नाम बताएंगे सुहानी, आज हमारी मेहमान है सुहानी, कल से रेगुलर हो जाएंगे। चलो बेटा फटाफट जल्दी से नाम बताओ, इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, पढ़ाया है अभी डिटेल में पढ़ाया, बताओ नाम बोला, अरे कॉपी देख के बोल दो, डीजे डीजे नाम बोलो, अंकुर इसका नाम बोलो, इन तीनों का नहीं बताओगे, इसका नाम बताओ भाई, क्या नाम है इसका, कॉलोनी लिस्टी एंटीपोडल सेल्स, बस अभी पढ़ाया था ना, ये आपका एंटीपोडल सेल्स है, ये पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर बताइए सर, ये पोलर न्यूक्लियर, ये क्या है, एग सेल,
सिनर्जी है। ये आपका सिनर्जी देखो इधर, एक सेल और सिनर्जी सेल इसको मिला करके हम बोलते हैं एज ऑपरेटर। इसको हम कहते हैं एज ऑपरेटर। This is absolutely clear or not? Yes, sir. Yes, sir, clear. सारे बच्चे बोलेंगे अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes, yes, sir. कहानी समझ में आया आपको? Yes, sir. जवाब क्यों नहीं दिया आपने, इसका नाम क्यों नहीं बताया आपने? सर एक्चुअली मैंने हाँ सर लिखा नहीं था, वो स्क्रीन आ रही थी सर इसको। अच्छा ठीक है, अब लिख लिया ना? Yes, sir. जब 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 इनसे सवाल पूछने का टाइम है तुम भाग गए। नेटवर्क खराब है आज मेरा। अरे बेटा कूटे जाओगे तुम बहुत सारे। सर पता है मुझे क्यों आ रहे हैं सर? तुम मिलो तो हमसे एक महीने बाद। सर ठीक है सर, पता है मुझे। जल्दी लिख लो इसी का डेवलपमेंट। सर आपने सिनर्जिट्स में जो नीचे उनका क्या नाम लिया है? टेलीफॉर्म ऑपरेटर। ये कहाँ बनाया था हमने? ये बनाया है, ये फिंगर जैसा, फिंगर जैसा। जो फिलिफॉर्म ऑपरेटर होता है ना, इसका काम मालूम है क्या होता है? इसका काम होता है रास्ता बताना। इसको रास्ता बताना, पॉलिन क्यूब को इस तरफ से एंटर करना है। तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा आपका कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका? एम्ब्रियो टाइप का। एम्ब्रियो सेट का स्ट्रक्चर कैसा है? 8 न्यूक्लियाई 7 सेट। कैसा है ये? 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेट। 7 सेल कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा पोलर न्यूक्लियाई अलग से 7 सेल। 8 न्यूक्लियाई कैसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एम्ब्रियो सेट मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो सिस्टम में होता है। ठीक है चलो कर लेते हैं। सर टेस्ट के आंसर की डाल दीजिए। कैसा हुआ था टेस्ट? ठीक था सर। फिर बच्चे डर गए थे, उनको चक्कर आ रहे थे, उनको चक्कर आ रहे थे और वो मोबाइल के टावर पे चढ़ गए थे। बोले क्या मुझे कुछ आता नहीं, ऐसा ही छलांग लगा दो। तो मॉर्फोलॉजी से थे ज्यादातर क्वेश्चन। तो फिर हमने उनको रोका, हमने करना बेटा ना मॉर्फोलॉजी और प्लांटिंग वगैरह। बेटा एक बात बताना, हमें हमने कहा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टॉपिक क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मिलगी नहीं आता, बैक्टीरिया नहीं आएगा, ग्राफाइट नहीं होगा, डिम्बेस्पर्म नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमने हर एक प्लांट की, हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को हमने क्लास में डिस्कशन दोबारा किया था।
यस सर पता है सर, मेरा तो सही था गया, अच्छा गया। तुम सर को अंडरएस्टिमेट किए समझ लो, ऐसा मेरा तो अच्छा गया पेपर, वेरी गुड बेटा। पेपर तो सभी का अच्छा जाता है बेटा, नंबर पता नहीं किस तरह आया था, पब्लिक स्पेशल हो जाता है सर। गला में अच्छा कर लूं अपना फ्लो का एक दो रोज में, उसके बाद आता हूँ पूरे फुल फुल एनर्जी के साथ फिर से आगे चलो। हेडिंग डालना टाइप ऑफ व्यूज, ठीक है। टाइप ऑफ व्यूज आप फिर से समझ लीजिए, भूलिएगा मत। देखो बड़ा सा डब्बा जो दिख रहा है ये ग्रीन वाला, याद कर लो फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो बड़ा सा डब्बा दिख रहा है ये ओवरी है, ये ओवरी है, यहाँ से जो लगा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है ये वाला, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, ये जो होता है ये है एम्ब्रियो सैक, ये बेसिक है, इसको अगर भूल गए तो रिप्रोडक्शन इन पैरेंट कार्ड कभी नहीं समझ में आएगा, पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगा, आप एक नहीं एक हजार टीचर से पढ़ लोगे कभी नहीं। तीन चीजें हैं, ठीक है, मैच्योर एंड राइपन ओवरी वॉल इज नोन एज द फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ओवरी से क्या बनता है, सीड बनता है, एम्ब्रियो सैक से आगे चलकर से क्या बनता है, पूरा पूरा एंडोस्पर्म बनता है। फाइनली ठीक, चलिए टाइप्स ऑफ ओवरी की बात कर रहे हैं। पहला ओव्यूल है ऑर्थोट्रॉपस, पहला ओव्यूल कौन सा है सर, ये कल क्वेश्चन था। हाँ शाबाश, ऑर्थोट्रॉपस, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल की पोजीशन अपराइट होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपराइट, पढ़ा तो होगा, देखो हाँ ये है तुम्हारा फिनिकल, क्या ये तुम्हारा फिनिकल, ठीक है, ये तुम्हारा फिनिकल है और ये यहाँ पे जो ओव्यूल होगा ये वाला, इसको हम बोलते हैं अपराइट, इधर हो जाएगा इधर फिनिकल है, इधर हो जाएगा माइक्रोफाइट, इधर हो जाएगा थलासा, ठीक है, और इसके बीच में फिनिकल, फिनिकल और ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक एक ही एक्सिस पर होते हैं, एक ही एक्सिस पर होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक ही एक्सिस, ये इसको बोलते हैं अपराइट, क्या आपका अपराइट, ठीक है, ये जनरली पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, बेंट 93 पे एनाट्रोपस ओव्यूल जो अभी आपने पढ़ा, जो अभी आपने पढ़ा वो आपका क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल, कैसे, जैसे मान लीजिए ओवरी बॉल है, यहाँ पर प्लेसेंटा है, यहाँ पर प्लेसेंटा है, यहाँ से फिनिकल निकला है ये, और फिर ये हाइलम से टेढ़ा हो गया, ये आपका इंटेगमेंट, ये इंटेगमेंट, ठीक है, फिर
यहाँ पे क्या मौजूद है बेटा, ये वजूद मौजूद है, तो ये फ्यूमिसिल है, फ्यूमिसिल और क्या ओव्यूल एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है ना प्रॉपर से। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग दिखाई कर रही है, ये हो गया इसका एग्जांपल क्या है, मोस्ट एंजियोस्पर्म, मोस्ट एंजियोस्पर्म इस टाइप को भी मोस्ट एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका बन गया था सबका, ट्रांसफर या इसको बोलते हैं हेवी ट्रॉपर, हेवी ट्रॉपर इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द चला गया, कैसे मान लीजिए ये सिमिकल है, ये हमारा क्या सिमिकल है, आप देखते रहिए सर, ठीक है। बीच में यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, प्राइमिला क्या एंगल बना इनके बीच में, राइट एंगल, इधर चाय देख लीजिए, चाय आप इधर देख लीजिए, दोनों तरफ राइट एंगल, बोलो ट्वेल्थ आसान है कि मुश्किल है, इजी है, इजी है ना, अभी समझ में आ रहा है कि जल्दी पढ़ाएंगे सर। सर पिछले वाला स्लाइड लगा दीजिए थोड़ा सा नोट करना। अच्छा तुम तो यार बड़े स्टार्ट में निकले, कतई हैवी ड्राइवर निकले तुम तो, सर एनाट्रोफस का एग्जांपल रह गया था सर, हां ओके सर हैवी ड्राइवर निकले वैसे नोट कर दी। ठीक है, अच्छा अब जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो ना, ये एग्जांपल्स के साथ देख वो देख लीजिए, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, ये एंजियोस्पर्म यानी कि आपके एनाट्रोफस का ही सब टाइप है, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, चौथा चौथा वाला एडिंग लगेगा, चौथा वाला जो है इसको हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोफस, क्या बोलते हैं इसको हम, कैम्पाइलोट्रोफस, कैम्पाइलोट्रोफस। कैम्पाइलोट्रोफस में क्या होता है कि ये फिनिकल है हमारा, ये फिनिकल है, ये हमारा क्या है इंक्रीमेंट है, फिर यहाँ पे ये और जो हमारा एम्ब्रियो साइकिल वो इस डायरेक्शन में पीछा हो पीछे में होता है, ठीक है।
ये इनके बीच में राइट एंगल में दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैंपाइलर ट्रॉफी हो गया यस सर एक होता है आपका एमपी ट्रॉफ अरे वाह कहाँ पढ़े लाला और कोई जगह होती क्या पढ़ने की देखिए इसमें तुम्हारा ये केमिकल है इसमें तुम्हारा केमिकल है मैं जो तुम्हारा इंद्रिय है वो कहता है हॉर्स शू शेप और शूशे ठीक ठीक है आपका सर्किल नंबर सिक्स है आपका क्यूनिकल बड़ा होता है और वो फुल सर्कल बना देता है सर्किल प्रॉपर्स में आपका जो क्यूनिकल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है हालांकि आपको टॉपर्स की तरह दिखाई पड़ता है लेकिन फ्यूमिकल इसमें ज्यादा बड़ा होता है जैसे देखिए ये फ्यूमिकल मान लेते हैं ये फ्यूमिकल है हमारा ये ठीक है जो फ्यूमिकल ऐसे चला इधर जो कंप्लीट बड़ा से बड़ा से स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं फ्यूनिकल से ये हमारा और ये हमारा क्या है हो गया सबका यस सर गुड नो सर नो अरे ठीक है मेरा नरेश जल्दी कर लो लाला हो गया हो गया मेल पढ़ लिया मेल पढ़ लिया एग्जाइम पढ़ लिया इंटाइम पढ़ लिया पॉलन ग्रेन पढ़ लिया ठीक है फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ लिया एम्ब्रियोसेक क्या है वो पढ़ लिया उसकी स्थिति क्या होती है सेवन से लेट टीक्रियाई होती है वो सब पढ़ लिया सब पढ़ लिया अब क्या है अब मेटिंग करवाए पॉलिनेशन करवाए फिर क्या करवाएंगे पॉलिनेशन करवाने के बाद दोनों के अंदर क्या होगा रिप्रोडक्शन होगा
The fourth district of reproduction is the pollen pistil interaction. Pollen male part, pistil female part, pollen और pistil का क्या होगा हम interaction कर रहे हैं. Interaction होगा तभी pollen pistil के अंदर enter करेगा, fusion होगा, gamete बनते बनेगा, zygote बनेगा, development होगा, है ना? इतनी कहानी हम लोग पढ़ेंगे. भैया देखो ऐसा है कि ये एक ऐसा इवेंट है चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल, जब तक ये नहीं होता है तब तक एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल बना रहता है. डार्विन अंकल ने क्या कहा? डार्विन अंकल ने कहा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. वो ऑर्गेनिज्म नेचर उसी ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है जो नेचर के लिए फिट होता है. फिट होने का मतलब ये थोड़ी है उसकी पैक बॉडी हो और उसकी हाई फास्ट फिट हो, भीम का शरीर हो उसका, चले तो धरती हिले. नहीं, ये बात ही नहीं. डार्विन अंकल ने कहा कि जो एनिमल रिप्रोडक्टिवली फिट हो, जो अपनी जैसी प्रोजेनी पैदा करने की क्षमता रखता हो, वही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. मतलब वही फिट है, वही नई स्पीशीज बनाने की कला है उसके पास. अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनिज्म फिट नहीं है. अब आप इस बात और कहानी समझ लीजिए. क्या कभी आपने गुलाब के फूल के साथ गेंदे का फूल देखा है नेचुरली एक ही प्लांट से? क्या आपने कभी आम के फल में अमरूद फलते हुए देखा है? नो सर. बोया पेड़ में फूल का तो आम कहाँ से बोए? ये भी सुना है आपने. बेटा कॉम्पेटिबिलिटी होती है. क्या तुमने कभी देखा है कि कुत्ते ने बकरी को जन्म दिया हो, बकरी ने कुत्ते को जन्म दिया हो, हाथी ने शेर को जन्म दिया हो, शेर ने तेंदुए को जन्म दिया हो, तेंदुए ने लकड़बग्घे को जन्म दिया हो? कभी सुना है? नहीं सुना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैमेट का जो इंटरेक्शन होता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. कैसा होता है? स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. अब तुम ह्यूमन ओवा को ले लो आर्टिफिशियली और इसको शेर के स्पर्म के साथ फ्यूज कराओ तो क्या चाहते हो तुम, यहाँ पर शेर पैदा हो जाएगा? कैसे शेर पैदा होगा? बड़े जान बड़े दांत वाला लिख लो, दो पैसे चलने वाला शेर होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है. क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि कॉम्पेटिबल नहीं है. फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है. ठीक है, सबकी कहानियां मैं बताऊंगा आपको. यहाँ पर फर्टिलाइजिंग में आपका जैसे ये देख रहे हो, ये क्या है? बोन मत कर देना, ये स्टिग्मा है. क्या ही हो? स्टिग्मा है. इसके ऊपर आएगा पॉलन. पॉलन के चारों तरफ क्या लगा हुआ है? एग्जाइन है ना. ये एग्जाइन, इसे ये एग्जाइन लगा हुआ है. तो इनके बीच में और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है. क्योंकि पॉलिनेशन हवा के जरिए हो, चाहे विंड के जरिए हो, चाहे इंसेक्ट के जरिए हो, पॉलिनेशन में इंसेक्ट को नहीं पता ना किसके पॉलन को किस प्लांट तक ले भी जा रहे हैं. बताओ हमको कि भाई तुम्हारे घर में अलग मधुमक्खी पाई जाती है जो खाली जो है ग्रोस को ही पॉलिनेट करेगी? ऐसा तो है नहीं. मधुमक्खी हर प्लांट के ऊपर बैठेगी और सबका पॉलन उसके पैर के पास, पैर में, पंख में चिपकेगा, दूसरे फ्लावर पे जाएगी, पॉलिनेशन होगा. तो मधुमक्खी को थोड़ी पता हम किस फ्लावर को पॉलिनेट कर रहे हैं. पॉलिनेशन वो पॉलन हर अलग अलग फ्लावर का अलग अलग दूसरे फ्लावर से पहुंचता है. लेकिन वहां पर मेन कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन यहाँ पर होता है. ये पिस्टिल का पार्ट है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये क्या है हमारा पॉलन. तो हम लोग अपनी अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे
क्या होता है हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को पढ़ने के बाद भी हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में डिटेल करेंगे। एक एक चीज लिखवा दूंगा, ठीक है, नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, उस नोट्स को आप पढ़िएगा ताकि बोर्ड में एग्जाम में लिखने में आपको मदद मिल जाए, ठीक है। और यहाँ से सारा कंसेप्ट आपका नेट का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आप डाउट कर रहे हो, ठीक है बच्चे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, आई होगी, और आप अपने दिमाग करके लिए दुआ करिए ताकि हम जल्दी सक्सेस हो जाए। अरे तुम्हारे गेट वेल सुन से थोड़ी होगा, हमको बहुत मजा आगे ईश्वर से मांगो, चलो हमारे सर से हो जाए भगवान, समझे।